झुलसा देने वाली गर्मी से बच्चों को मिली राहत। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का बदल गया समय, 11:45 के बजाय अब घंटे भर पहले यानी 10:45 बजे तक ही हो जाएगी स्कूलों की छुट्टी। बिहार में आज का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में हीट वेव को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। सुनिए पटना के डीएम इस नए बदलाव को लेकर क्या बोल रहे हैं। देख रहे हैं और 44 डिग्री जो हो रहा है दोपहर में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं सामान्यतः। तो स्कूल की टाइमिंग अभी घटाई गई है, 10:45 तक ही स्कूल खुलेंगे सुबह से, और 10:45 के बाद कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं रहेगी। इसको अभी हम लोगों ने लागू किया है और हम लोग नज़र रख रहे हैं, अगर आवश्यकता होगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। चौक चौराहे पर क्या व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था है? हाँ, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है कई जगह नगर निगम के द्वारा, अभी हम देखने भी जा रहे हैं उसको। अभी चौक चौराहे पर महत्वपूर्ण जहाँ हमारे ऑटो स्टैंड हैं या रिक्शा स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ की आम पब्लिक आती जाती है, वहाँ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मटके में पानी की व्यवस्था हम लोग करें ताकि वो लोगों को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके। हाँ, ये बिहार जाति आधारित गणना 2022, ये इसका काम चल रहा है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने परिवार का सर्वेक्षण किया था और एक परिवार में कितने सदस्य हैं और कुल कितने घर हैं, भवन हैं, इन सब का सर्वेक्षण हम लोगों ने फेज वन में किया था। फेज टू में हम लोग हर परिवार के हर सदस्य का डिटेल ले रहे हैं, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, कितना पढ़े लिखे हैं और बाकी जानकारी है, और बाकी उसके साथ उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी ले रहे हैं, फिर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति, ये सब चीज़ें हम लोग फेज टू में ले रहे हैं। कुल 17 प्रकार के प्रश्न हैं जिससे व्यापक जानकारी उनके बारे में, एक एक सदस्य के बारे में, परिवार के एक एक सदस्य के बारे में ले रहे हैं। फेज वन में पटना जिले की बात हम लोग करें तो लगभग 13,69,000 परिवार सर्वे में आए थे, और सदस्यों की बात करें हम लोग तो लगभग 73 लाख सदस्यों की संख्या थी, जो कि एक तरह से जनसंख्या है। और अभी फेज टू में हम लोगों ने शुरू किया है और लगभग हम लोग 65,000 परिवारों का अभी तक पूरा डिटेल ले चुके हैं। एक परिवार की गणना करने में प्रगणक को लगभग आधे घंटे समय लग रहा है, तो उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम लोग शुद्धता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि डेटा शुद्ध हो, प्रामाणिक हो, और हड़बड़ी नहीं करें, आराम से सब सूचनाएँ लेकर के एकत्रित करें और भरें। और दो फॉर्म में चल रहा है, एक तो हार्ड कॉपी में भी प्रपत्र, एक परिवार के लिए पूरा एक प्रपत्र दिया हुआ है और उसमें लगभग 15 सदस्यों का डिटेल भरा जा सकता है। उससे अधिक अगर सदस्य हैं, कोई संयुक्त परिवार है, तो उसमें फिर दूसरा प्रपत्र उनको उपलब्ध कराया जाएगा डिमांड पर। और बाकी उसके बाद हम लोग जो पोर्टल बना है उस पर भी ऑनलाइन एंट्री करा रहे हैं साथ साथ, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही गणना कंप्लीट होगी, ऑनलाइन एंट्री अगर उपलब्ध रहेगी तो उसको डेटा का प्रकाशन और उसका एनालिसिस बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी किया जा सकेगा। तो हम सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं और राज्य स्तर से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ और समय सीमा जो निर्धारित है उसमें जाति आधारित गणना।